आज की किचन की रेसिपी है तवा पनीर पुलाव। बहुत सारे सब्जियां, स्पाइसेस और सॉस के साथ ये तैयार है। तो चलिए गाइस देखते हैं आज की रेसिपी का बहुत ही टेस्टी और क्या क्या हमने इसमें यूज़ किया है इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हम राइस बनाते हैं, तो इसके लिए हम होल स्पाइसेस डाल देते हैं वाटर में और इसको हम बॉयल करने देते हैं। जब ये बॉयल हो जाता है तो इसमें हम राइस डाल देंगे और इसे हम पका लेते हैं। इसे हम चेक कर लेंगे कि राइस पका है या नहीं। इसके बाद इसे हम छन्नी से छान लेते हैं। अब तवा हम चढ़ा देते हैं गैस पे और घी डाल देंगे और बंधा गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है इसे हम डाल देंगे। पनीर डाल देते हैं और इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। चॉप किया हुआ टमाटर, सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसमें अब मसाले डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी, जीरा पाउडर, पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, ये सारे मसाले हम इसमें मिला देंगे और थोड़ी देर इसे भुनेंगे। चिली पाउडर मिला देते हैं। अब इसमें सॉस मिला देंगे, टोमेटो सॉस, सोया सॉस और रेड चिली सॉस। स्वाद के अनुसार नमक। इसमें राइस मिला देते हैं। मसालों के साथ राइस भून गया है, कलर भी आ गए हैं। फाइनली इसमें हरे धनिया डाल देते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसके साथ रायता हो या चटनी हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा, या आलू पनीर की तरी की सब्जी। तो गाइस कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये तवा पनीर पुलाव। बहुत ही टेस्टी, यमी यमी और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।